तो यहाँ हमने ले लिया 750 ग्राम चिकन, चिकन मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट और दही। दही का यूज़ हम बाद में करेंगे, मैं आपको बाद में बताऊँगी। और अब हम ले रहे हैं यहाँ पे नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी। तो सबसे पहले मैंने एक खाली पैन ले लिया है जिसमें मैं चिकन को इसमें मैरिनेट करूँगी मसालों के साथ। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने जो लेग पीस है चिकन के, मैंने उस पर छोटे छोटे कट लगा लिए हैं ताकि जो मसाला है वो अंदर तक चला जाए। सो अब चिकन में हम सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है। चिकन मसाला मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के ले लिया है और ये दही हम बाद में यूज़ करेंगे मैरिनेशन के लिए। सो अब हम चलते हैं दूसरे मसालों की तरफ। सो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें नमक 2 टेबलस्पून। आप देख लीजिए छोटे मैंने चम्मच डाले हैं इसमें, बाकी आप स्वाद अनुसार नमक अपना डाल दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची यूज़ करी है, 2 चम्मच मैंने लाल मिर्ची की ले ली है। और मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ले रही हूँ, 2 टेबलस्पून मैंने इसके धनिया पाउडर के ले लिए हैं। साथ ही साथ मैंने हल्दी का 1 चम्मच डाल लिया है इसमें। अब हम इसमें ये गरम मसाला ऐड कर रहे हैं और अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम पीसीज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से पीसीज में लग जाए। देखिए अब ध्यान से मैंने कट्स के अंदर तक मसाला भर दिया है और अब हमने इसको साइड में 5 मिनट के लिए रख देना है जो ये मैरिनेशन है। आगे हम दही की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे दही ले लिया है, दही मैंने 100 ग्राम लिया है, साथ में मैंने 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे हम इन दोनों को। और आप ये ध्यान रखें कि इसमें हमें लम्ब सेक भी नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से मिक्स करें। और ये अब चिकन हमने 5 मिनट साइड में रखा था, अब ये दही की मैरिनेशन जो है हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिला देंगे चिकन में। सो आप चिकन को हम 3 से 4 घंटे रूम टेम्परेचर पर ढक के रख देंगे। वैसे तो आप इसको 30 मिनट या 1 घंटा भी रख सकते हैं, उसके बाद आप आगे फ्राई कर सकते हैं उसको। सो यहाँ चिकन को रखे 3 घंटे हो गए हैं मुझे, तो हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर। तो चलिए हम अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। सो यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है खाली और मैंने मैदा ले लिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं जैसे, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ले लिया है। और मैंने एग, 2 एग ले लिए हैं जिसे मैं चिकन को कोट करूँगी। मैं यहाँ पे बड़े 4 चम्मच मैदे के यूज़ कर रही हूँ और 2 चम्मच मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर के यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें 1 चम्मच मैं छोटा नमक का डाल रही हूँ क्योंकि हमने पहले भी ऑलरेडी नमक यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है मैंने और साथ ही साथ थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मसाला अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए बीच में। सो अब हम चिकन को अच्छे से कोट करके फ्राई करेंगे। ये ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। और चलिए अब हम पीसीस को कोट करते हैं। तो यहाँ मैं यहाँ पे चिकन का पीस ले रही हूँ और इसको मैंने अच्छे से कोट कर लिया है मैदे में। और इसके बाद हम इसे एग में कोट करेंगे अच्छे से और फिर से हम इसको मैदे में कोट कर लेंगे। और ये पीस अच्छे से कोट हो गया है और इसे हम साइड कर देंगे अब।
और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। और ये नेक्स्ट पीस भी हम सेम प्रोसेस से यूज़ करेंगे। सो अब हमारा चिकन फ्राई करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तेल मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था, अब मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे चिकन को फ्राई करना है। सो, एक एक करके आप इसमें पीसेस डालिए चिकन के, और इसको हमने पहले 2 मिनट के लिए हमने कोई भी स्टर नहीं करना है अच्छे से, उसके बाद हमें इसे पलटाएंगे दूसरी साइड। सो, चिकन को हल्के हल्के से आप यहाँ पे स्टर करें, और यहाँ पे आप जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे चिकन को कलर आ जाएगा। और आप यहाँ देखिए हमारा चिकन बनके एकदम रेडी है, और ये बहुत ही क्रिस्पी यहाँ पे रेडी हुआ है, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। अब देखिए हमारे सारे पीसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनके रेडी हो चुके हैं। सो, चिकन को आप यहाँ पे टमाटो सॉस और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए, और अगर आपको मेरी डिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच।